अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की आमद पर आप सबको मुबारक हो। अल्लाह इस माह मुबारक के सदक़े हम सब पर मेहरबानी करे। तो अल्लाह इसी माह मुबारक के सदक़े आप सबको अपने तालीमी मैदान में भी कामयाबी से हमकिनार करे। तो अब हम चलते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ, जिसमें आप देख रहे हैं कि एबसेक्स सिस्टम का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो पीबीए पेपर है कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का, तो उसको सॉल्व किया गया है। अगर इसमें कोई माइनर मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना और कमेंट में बता भी देना। उम्मीद है कि ऐसी कोई मिस्टेक होगी नहीं, तो आप इसे अपने ओन पर भी इसको थोड़ा सोल्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि ये मुकम्मल ठीक है। आप इसको देखें, अब सेक्शन ए इस पेपर को पहले देखें तो ये 45 मिनट टाइम था और 20 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पेपर है ये। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन 1, कीपिंग इन व्यू फिगर 1 बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि ये जो आपको नीचे फिगर नज़र आ रही है, इस फिगर को देखें और नीचे क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, आप उनके आंसर्स दें। तो नीचे देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। कहते हैं कि विच रिबन टैब हैज़ ऑप्शन ऑफ इलस्ट्रेशन एंड वाई वी एड आइकन्स। कहते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इलस्ट्रेशन ऑप्शन है, ठीक है, और हम आइकन्स क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, यानी कि आइकन्स को। तो ऊपर देखें हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन ऑप्शन, ठीक है, इलस्ट्रेशन ऑप्शन का उन्होंने हमसे आंसर पूछा है कि विच ऑप्शन इज़ इलस्ट्रेशन ऑप्शन। तो इंसर्ट टैब जो ऑप्शन है ना, इंसर्ट टैब, इंसर्ट INSERT, इंसर्ट टैब जो है वो इलस्ट्रेशन ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आइकन्स के बारे में पूछा है कि हम आइकन्स क्यों ऐड करते हैं, शो क्यों कराते हैं। तो उससे ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ आइकन्स यूज़र मे गेट क्विक एक्सेस टू फाइल्स और फोल्डर्स। जब आइकन हम डेस्कटॉप पर किसी भी चीज़ का लगा देते हैं तो बेसिकली वो उस फोल्डर तक डायरेक्ट एक्सेस होती है, उस फाइल तक डायरेक्ट एक्सेस होती है। आइकन्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो उसके बाद आइकन प्रोवाइड्स मोर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आइकन्स की मदद से विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में, फाइल में या फोल्डर में मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो कहते हैं इन सर्कल द ऑप्शन ऑन द स्क्रीन दैट इज़ यूज टू डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, आप वो मेंशन करें। तो बेसिकली ये सेकंड शॉट है, सेकंड क्वेश्चन है। तो ऊपर देखें, ये ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, रिव्यू के नीचे ये जहाँ नंबर 2 लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये 2 का आंसर है। ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है डिक्रीज इंडेंट के लिए। उसके बाद है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट के लिए ऑप्शन देखें तो ये 2 के आगे 3rd लिखा हुआ है, 3rd क्वेश्चन है क्योंकि, तो नीचे एरो लगा के मैंने 3rd लिख दिया, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद है 4th, इन सर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर दैट इज़ यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू राइट। तो ये 4th है, कहते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो टेक्स्ट को राइट साइड पर अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो 4th में देखें ऊपर इसी डायग्राम में, तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं मेलिंग के नीचे, ये इधर उसके नीचे जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है ना, वही ऑप्शन है। तो ये नीचे मैंने 4 लिख दिया है एरो के एंड पे, ठीक है। तो ये 4th का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, कहते हैं कि विच रिबन टैब हैज़ ऑप्शन टू ऐड हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर्स ऐड करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है, तो व्यू ऑप्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये 5th है, इधर ऊपर ये ऊपर ऑप्शन लिख दिया है, व्यू के ऊपर एरो लगाए और वो 5 लिख दिया कि ये 5 का ऑप्शन ये है, ठीक है। उसके बाद है राइट डाउन स्टेप्स टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। नए डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करनी हो वर्ड में तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फाइल वाले ऑप्शन पर जाना है, फाइल वाले ऑप्शन पे जाके आप उस पर क्लिक करेंगे तो न्यू ऑप्शन आ जाएगा। आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी, तो उसमें आप कुछ भी अपनी फाइल बना लें, कोई टेबल बनानी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, जो भी करना है, ठीक है। तो वो एक ब्लैंक पेज आपके पास आ जाएगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपल सा था। उसके बाद है कीपिंग इन व्यू द MS Excel 2016 टूल बार
provided in figure 2 and spreadsheet data provided in figure 3. Answer the following question. कहते हैं कि दो figures हैं, उन दो के according आपसे नीचे question पूछे जाएंगे, आपने उनके answers देने हैं, और ये हैं MS Excel के लिहाज से, ठीक है? तो अगर आप figures देखना चाहें तो पहले ये figures देख लें, कि ये figure है, ठीक है? जो कुछ red से लिखा आपको नजर आ रहा है, वो basically हमने answers लिखे हैं, तो बाकी ये figure है. इसके अलावा एक और जो figure 3 है, ये figure 3 है, ये वाली, ठीक है? तो हम अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. कहते हैं कि इनसर्कल द एक्टिव सेल इन द प्रोवाइडेड फिगर 2 एंड एक्सप्लेन आइडेंटिफाइंग सेल. कहते हैं इनसर्कल एक्टिव सेल इन फिगर 2. एक्टिव सेल बताना है हमने, तो एक्टिव सेल का नाम हम जो है ऊपर से देखते हैं, ए बी सी डी इस तरफ से, तो 1 का है ए, ए एक्टिव सेल है, ठीक है? तो यहां पर हमने ये 1 लिख दिए. सेकंड देखें, व्हाट एमएस एक्सेल ऑप्शन कैन वी यूज टू इंसर्ट मोर शीट्स इन एक्सेल वर्कबुक को, यूज फिगर 3. कहते हैं कि एमएस एक्सेल ऑप्शन में मोर शीट्स अगर हमने ऐड करनी हो, और शीट ऐड करनी हो एमएस एक्सेल में, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो इंसर्ट ऑप्शन हम यूज करेंगे फिगर 3 में, ठीक है? इसमें भी फिगर 3 में इंसर्ट नजर आ रहा है, और फिगर 2 में, और फिगर 3 में देखें तो फिगर 3 में भी इंसर्ट का ऑप्शन है, ठीक है? पेज लेआउट से पीछे, तो आपकी मर्जी, जहां फिगर 3 के अकॉर्डिंग करें या 2 में, तो ठीक है. अच्छा, उसके बाद है, राइट डाउन द एक्सेल ऑप्शन टू ऑटो सम फॉर मंथ ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च. ऑटो सम ऑप्शन देखना है, तो ऑटो सम के लिए सिग्मा साइन होता है, ठीक है? सिग्मा का साइन होता है ऑटो सम के लिए. तो हम ये फिगर 3 में देख लेते हैं, ये आपको नजर आ रहा है सिग्मा, मैंने नंबर लिख दिया 3, के थर्ड का आंसर है ये ऑप्शन, ठीक है? सिग्मा साइन यहां पर ऑटो सम आता है. अच्छा जी, उसके बाद है, इन सर्कल ऑन द फिगर 2 द ऑप्शन वी कैन यूज टू इंसर्ट फार्मूला. कहते हैं कि फार्मूला अगर हमने इंसर्ट करना हो तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होगा, वो आप इन सर्कल करें. तो फार्मूला जब मेंशन करते हैं, तो ये जो आपको लिखा नजर आ ना, F equal to C4 multiplied by D4, तो वो तो फार्मूले का पार्ट होता है कि कौन सा कॉलम है, कौन सी रो है, उस हिसाब से. लेकिन ये वाला ऑप्शन होता है जो जहां से फार्मूला बनता है, ठीक है? C4 multiplied by D4 equal लगा के, ठीक है? तो ये हमारे पास फोर्थ का ऑप्शन है. तो फोर्थ हमारे पास था इंसर्ट फार्मूला का ऑप्शन के लिए, ठीक है? 5 है, इन सर्कल ऑन द फिगर 2 द ऑप्शन वी कैन यूज टू चेंज फॉर्मेट ऑफ सेल. अगर हम सेल का फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखें, ये हमारे पास है 5th है, ठीक है? तो 5th के लिए ये हमारे पास ऑप्शन है, स्टाइल के ऊपर सेल स्टाइल्स, ये ऊपर सेल स्टाइल्स लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहां पर आप आके सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ओके? उसके बाद है 6, write down steps to protect a workbook. Workbook को आप कैसे protect कर सकते हैं, आप उसके सिर्फ steps बता दें. तो आप क्या करते हैं कि workbook जब आपने open की हुई है, तो review का option होता है, उस पर click करते हैं, click on review option. जैसे उस पर click करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा protect workbook option. तो आप protect workbook option पर click करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने next step आएगा enter password. जैसे प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना पासवर्ड एंटर करें, जो अभी आप नया पासवर्ड उसका रखना चाहते हैं. तो उसके बाद सेलेक्ट ओके, तो आपके पास वो आपकी जो वर्कबुक है वो महफूज हो जाएगी, प्रोटेक्ट रहेगी, पासवर्ड से ही ओपन हो सकेगी, ठीक है? बाज़ुकात वो आपसे री एंटर पासवर्ड का ऑप्शन भी दे देते हैं, तो या कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन होता है कि दोबारा कंफर्म करें, तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक बार एंटर करने से भी हो सकता है, ओके? तो ये थर्ड हमारे पास 6 का आंसर भी हो गया. अब नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं सेक्शन बी है, सेक्शन बी में कहते हैं इनसर्कल द ऑप्शन ऑन द फिगर इन फिगर 4 दैट हैज पेस्ट स्पेशल ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन है जहां पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हो, ठीक है? पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो है ये बेसिकली इन पेज टूल बार आपको नजर आ रही है, इन पेज. तो इन पेज टूल बार में आपको यहां ऊपर फाइल नजर आ रहा है, फाइल, फाइल पर क्लिक नहीं करना, फाइल के साथ एक यूं समझिए कि एक कार्ड जैसा सिंबल बना हुआ है,
ठीक है, तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पर वो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन क्लिक करने से नीचे मेंशन हो जाता है, शो हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसा कि रेड से मैंने सर्कल कर दिया उस पॉइंट को, तो ये वाला ऑप्शन है। ओके अच्छा जी, उसके बाद है राइट डाउन स्टेप्स टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन इन पेज। इन पेज में आप नई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कैसे ओपन करेंगे? तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप इन पेज ओपन करेंगे, ठीक है। इन पेज ओपन करने के बाद न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, न्यू के ऑप्शन पर जाने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे, यानी कि और आपके पास नई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। उसके बाद है जी, व्हाट आर स्टेप्स फॉर चेंजिंग लैंग्वेज इन इन पेज। लैंग्वेज अगर चेंज करनी हो इन पेज में तो वो आप कैसे करेंगे? बेसिकली ये जो इन पेज वाला टूल बार है ना, ये इन पेज टूल बार लैंग्वेजेस वगैरह को चेंज करने के लिए, आप उर्दू लिख रहे हैं तो इंग्लिश में जाना है, इंग्लिश लिख रहे हैं उर्दू में जाना है, ठीक है, अचानक से लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है एक ही फाइल में, तो वो ये हम इन पेज टूल बार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक जिस तरह एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, तो ये इसी तरह इन पेज भी है। तो यहाँ पर प्रेस ओके, तो ओपन इन पेज, उसके बाद न्यू पर जाएं, न्यू पर जाने के बाद टेक्स्ट टाइप करें और फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करें, यानी कि टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप किया, फिर ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है लैंग्वेज का। इन पेज में ही अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ होता है। इसमें भी आप देखें तो ये ऊपर लैंग्वेज लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है सेक्शन बी में से, ये इंसर्ट सिंबल्स, और उसके बाद विंडो हेल्प, विंडो से पहले लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है, विंडो से पहले लैंग्वेज लिखा हुआ। तो इस तरह लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी वो सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहते हैं राइट डाउन द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स दें, विंडो 7 ऑफर हाउ मेनी वर्जन्स। विंडो 7 कितने वर्जन्स ऑफर करती है, कितने वर्जन उसमें मौजूद हैं उनकी तादाद बताएं। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू, कोई से दो के नाम भी बता दें। तो 6 वर्जन्स वो ऑफर करती है, उनमें से जो दो मशहूर हैं होम प्रीमियम एंड प्रोफेशनल, ये दो नाम आप याद रख लें। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की का क्या फंक्शन है? टू ओपन न्यू विंडो इन एन इनकग्निटो, इनकग्निटो का मतलब होता है प्राइवेट मोड, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र, तो ये इसका फंक्शन है। आइडेंटिफाई एनी टू आइकन्स एंड ब्रीफली डिस्क्राइब, कोई से दो आइकन्स को आइडेंटिफाई करें। ये डब्ल्यू जहाँ पर लिखा हुआ है ये तो एमएस वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा जी, उसके बाद ये डेस्कटॉप या पीसी इसका आइकन होता है, जो कि कंप्यूटर्स पर आपको नज़र आ रहा होता है स्क्रीन पर बना हुआ, ठीक है, दिस पीसी लिखा हो सकता है, माई माई पीसी या डेस्कटॉप भी इसी को ही कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द शॉर्टकट कीज रिक्वायर्ड टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली। परमानेंटली आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, शिफ्ट की को प्रेस करें और उसको, यानी कि प्रेस करें होल्ड करें, देन प्रेस डिलीट की, फिर उसको डिलीट कर दें, इससे वो आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। फाइल होगी या फोल्डर वो परमानेंटली डिलीट होगी। शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड देन डिलीट प्रेस कर दें। तो ये स्पेस जो है ये रफ वर्क के लिए थी, अगर कोई करना चाहता तो ये आपका कंप्यूटर पेपर, पीबीए पेपर कंप्यूटर क्लास 9th का सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इसके मुताबिक ही आप मज़ीद आगे वाले जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी करेंगे, आपको पीबीए पेपर्स का आइडिया हो गया होगा। मज़ीद पीबीए पेपर्स जो हैं इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, और पहले भी बहुत सारे इस सैम्पल पेपर्स भी हमने अपलोड किए थे इस पेपर से पहले, ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस तरह के हमने अपलोड किए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।